ट्राई टू डिस्कस व्हाट इज द सॉफ्टवेयर रिलीज सो बिफोर वी स्टार्ट एक बात नाम रखी है आप लोगों ने कि जो सॉफ्टवेयर रिलीज है या रिलीज मैनेजमेंट है या रिलीज है इट इज मोर प्रोडक्ट मैनेजमेंट यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं होती एज कंपेयर टू प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिंपल से रीजन है कि जो प्रोडक्ट होता है वो फ्रॉम स्क्रैच नहीं बना करता मतलब लोग उसको यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट को और रनिंग प्रोडक्ट के ऊपर आपने एक नया फीचर फॉर एग्जाम्पल बनाना है तो उस वक्त रिलीज को मैनेज करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है तो बेसिकली रिलीज क्या होती है रिलीज बेसिकली अमूमन तीन चीजों को मिलकर बना करती है वन थिंग इज कि जो नए फीचर फॉर एग्जाम्पल बनाने हैं विच इज नेचुरल थिंग फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट्स आई हैं सेल्स टीम से आई हैं या मार्केटिंग टीम से आई हैं या क्लाइंट ने खुद बता दी है तो एक तो हो गया कि नया फीचर बनाना है दूसरा जो और इंटरेस्टिंग चीज कि एनवायरमेंट वेरिएबल अब एनवायरमेंट वेरिएबल क्या चीज है एनवायरमेंट वेरिएबल वो चीज है फॉर एग्जांपल आपका एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर ब्राउजर के ऊपर चल रही थी और आपको ये पता लगा कि जी सिक्स मंथ डाउन द रोड ब्राउजर का वर्जन चेंज हो रहा है फ्रॉम लेट सपोज एट टू नाइन हो रहा है तो यू हैव टू फाइंड आउट कि जब आपकी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन ब्राउजर के नए वर्जन पे जाएगी क्या वो सक्सेसफुली रन हो जाएगी या कोई इशू तो नहीं आएगा क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब भी कंपनीज कोई नया वर्जन लॉन्च करती हैं तो पहले नोट्स या रिलीज नोट्स उसके शेयर करना शुरू कर देती हैं ताकि डेवलपर कम्युनिटी वो ये ये पहले से आ, आ, ये प्रीएम्प्ट कर ले कि क्या चेंजेस उनको अपने कोड बेस में करना है दैट इज वॉट इज इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड द थर्ड थिंग इज आपका बैकलॉग बैकलॉग ये चीज होती है कि आपका सॉफ्टवेयर डिफरेंट लोग यूज कर रहे हैं आपने प्रोडक्ट बनाया आपने प्रोडक्ट बना के मार्केट में उसको लॉन्च कर दिया अब ऑब्वियसली जब आपने लॉन्च किया लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया तो यू आर गेटिंग रियल टाइम फीडबैक फीडबैक आप फॉर एग्जाम्पल आपकी चेंज रिक्वेस्ट भी है बग्स भी हैं अब आप सारे के सारे बग्स या डिफेक्ट राइट वे फिक्स नहीं कर सकते या राइट वे फिक्स नहीं करते अगर तो आपका बग जो है वो हॉटस्पॉट है हॉटस्पॉट से मुराद दी है कि ब्लॉकर इशू आ गया ये फॉर एग्जाम्पल सिस्टम लॉग ही नहीं कर रहा किसी प्रोडक्शन साइड के ऊपर आपका सॉफ्टवेयर डिप्लॉय था ड्यू टू सम रीजन उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर जो क्लाइंट साइट है लॉग इन काम नहीं कर रहा नो no, ब्लॉकर अब ये बग बुग नहीं है ये बेसिकली है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं हॉट फिक्स कि आपका इश्यू आया प्रोडक्शन में यू कैन नॉट से कि हम रिलीज में इसको मैनेज करेंगे या अगली दफा फिक्स कर देंगे नो इट्स अ ब्लॉकर तो वो हॉट फिक्स होता है अमूमन ये होता है कि जो हॉट फिक्स नहीं होते और नॉन बग्स होते हैं वो बैकलॉग होते हैं तो ये तीन चीजें मिलके कोई भी रिलीज uh, बना करती है और अमूमन रिलीज को हम या फीचर को हम डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट रिलीजेस यानी फीचर हो गया फीचर को हमने एस्टिमेट किया एस्टिमेट करने के बाद वी डिवाइडेड द फीचर्स इनटू टू डूएल रिलीजेस या डूएबल प्रोजेक्ट प्लान अब प्रोजेक्ट प्लान से मुराद यह है कि एक चीज आप लोगों ने यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि द कोड बेस सेम प्रोडक्ट के अंदर जो कोड बेस है वो कभी भी चेंज नहीं हुआ करती यानी एक प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जाम्पल उसकी वन थाउजेंड डिप्लॉयमेंट है तो द कोड इज इफेक्टिवली द सेम कोड चेंज नहीं हो रहा अगर एग्जिस्टिंग कोड के ऊपर नया फीचर का कोड ने गिरना है या नए फीचर के कोड ने आना है तो आपने ये सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ वन थाउजेंड डिप्लॉयमेंट कहां पे आपने नई जो रिलीज आ रही है वो रीडिप्लॉय करनी है या आपने क्लाइंट को नई जो रिलीज है वो शिप कर देनी है यानी ये वो क्रिटिकल डिसीजन है जो आपने रिलीज को या रिलीज के वक्त आपने ये डिसाइड करने हैं अदरवाइज अगर अगर सेम कोड बेस अगर आप कोड बेस को चेंज कर देंगे यानी इफ योर कोड बेस इज नॉट सेम फॉर एवरी डिप्लॉयमेंट देन यू आर इन हॉट वाटर्स यानी ये चीज इट्स नॉट इजी टू मैनेज के अगर फॉर एग्जांपल 1000 थाउजेंड डिप्लॉयमेंट्स के लिए आपके पास वन थाउजेंड डिफरेंट कोड बेस है तो इट इज एक्चुअली प्रैक्टिकली नॉट डूएबल कि आप हर क्लाइंट के लिए एक अलग कोड बेस मेंटेन करें और सिर्फ उसके चेंजेस के लिए आप एक नई रिलीज बनाएं? इट डजेंट वर्क लाइक दिस